And welcome back in my channel. You are watching Explorer Vishal. So guys, आज का वीडियो है थोड़ा सा different क्योंकि आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ Bay of Bengal. Yes, my guys, Bay of Bengal का one of the most famous and richest जो sea beach है उसका नाम है Diga. And today I'm going to explore the great sea beach that is Diga. So चलिए Diga पे चलते हैं, देखते हैं what are the interesting facts, all the beautiful places and entire information Diga का आपको मिलेगा इन वीडियो में. तो आपको क्या करना पड़ेगा? Just like it, share it and subscribe the channel with your friends. So friends, 3 to 4 घंटे का जर्नी करने के बाद मैं at last पहुंच चुका हूं दीघा का sea beach में. You can see there is a beautiful Bay of Bengal. इसको ही बोला जाता है दीघा. दीघा का sea beach का one of the most important and interesting fact है, यहां का जो sea beach का area है, it is very much well decorated. आप जहां पे जाओगे आप देखोगे ऐसे बैठने का बहुत सारे जगह है, बहुत सारे लोग भी यहां पर है. They are exploring, they are enjoying the beauty of the morning. तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पास में जाते हैं समुंदर के और देखते हैं, फील करते हैं द ब्यूटी ऑफ द नेचर. तो फेमस दीघा का सी बीच है, न्यू दीघा, ओल्ड दीघा का यही है. और वन थिंग आई वांट टू से, सुबह का टाइम है एंड दैट एटमॉस्फेयर इज सो नाइस. आप देख सकते हो देयर आर ब्यूटीफुल वेव्स एंड आई एम फीलिंग सो मच एक्साइटेड. यू नो ऑलवेज आई लव सी, ऑलवेज आई लव वाटर. सो मेरा एक तो लगाव है, इस प्यार है समुंदर से. और ऑल माई व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई डू बिलीव दैट आपको भी अच्छा लगता है समुंदर. सो यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं हूँ, यू कैन सी देयर लॉट ऑफ पीपल, देयर enjoying. There is also facilities of horse riding also. So the jagah, the atmosphere, the moment is just awesome. So कुछ काम करने का जरूरत नहीं है, जस्ट वॉक इट, जस्ट फील इट, जस्ट फील द नेचर. यहाँ पर आपको मिल जाएगा तीन चीज का कॉम्बिनेशन. यहाँ पर मिलेगा आपको सन, आपको मिलेगा सी, आपको मिलेगा सैंड. मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 A's. सो गाइज आई एम एंजॉइंग, ऑल्सो यू काइंडली एंजॉय द एंटायर मोमेंटम ऑफ दीघा सी बीच. दीघा पे आकर मुझको मिल गया है एक बहुत प्यारा सा दोस्त. दिस इज माय फ्रेंड. ये बहुत ही प्यारा सा एक घोड़ा है, इसको छोड़ दिया गया है बाय इस ओनर. क्योंकि दीघा पे अगर आ रहे हो आपको मिल जाएगा बहुत सारा हॉर्स राइडिंग का फैसिलिटी, बट जिस घोड़े का थोड़ा सा उम्र हो जाता है ऐसे उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बाकी का ज़िंदगी दे कैन स्पेंड फ्रीली. कोई बंदिश नहीं है, कोई उसको लगाम नहीं है. ऐसे घूमते रहो, घास खाते रहो, जहाँ पे जाओ जस्ट एन्जॉय योर लाइफ फ्रीली. सो इस घोड़े के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है.
सी बीच में चलते चलते अगर आप थक चुके हो तो कोई टेंशन करने का बात नहीं है। अब क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पर आकर बैठ सकते हो। गाइज यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा ऐसे बैठने का जगह बनाया हुआ है फॉर ऑल टूरिस्ट। आप यहाँ पर बैठ सकते हो, बैठ कर सी बीच को, सी को देख सकते हो। यू कैन एक्सप्लोर इट, यू कैन फील इट। शाम के वक्त में, सुबह के वक्त में, हर टाइम में ये जगह देखो, जस्ट ऑसम। आप यहाँ पर कहीं भी टाइम पे आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। अगर समुंदर में नहाने का मन नहीं है, जस्ट देखने का मन है, यहाँ पर बैठकर जस्ट यू कैन फील द वेव्स ऑफ नेचर। सुबह के टाइम है, इट मींस इट इज द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये मैं ले चुका हूँ मेरा ब्रेकफास्ट, दैट इज अ ब्रेड एंड एग। समुंदर के सामने बैठकर ब्रेकफास्ट करने का एक्सपीरियंस जो होता है ना, माशाल्लाह, दैट इज ऑसम। सो गाइस अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, इसका जो स्वाद है समुंदर के देखते देखते मैं इसका आई विल टेस्ट ऑफ इट। और यकीन मानिए इसका स्वाद तो 100 गुना बढ़ चुका है। सो मैं क्या करूँगा, आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ। दिस इज माई ब्रेकफास्ट, लेट्स सी हाउ इज इट। इसको मैं क्या करूँगा, मुँह में ले लूँगा। जस्ट ऑसम गाइस, जस्ट ऑसम। आप जब नेचर के कॉन्टैक्ट में हो, ऐसे समुद्र के सामने बैठकर कुछ खा भी रहे हो, ट्रस्ट मी, नेचर इसका स्वाद 100 गुना बढ़ा देता है। जस्ट आई एम फीलिंग इट। सो गाइज एक ब्रेकफास्ट के लिए एक बड़ा सा लाइक तो बनता ही है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों के साथ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट करने के बाद जस्ट आई एम वॉकिंग हेयर एंड देयर, घूमते घूमते मैं आ चुका हूँ ऐसे जगह पे। यहाँ पर मेरा पीछे है एक बहुत बड़ा जंगल, ये जंगल है, बहुत सारे ट्रीज भी है, एंड देयर इज सच अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर ओवर हियर। सो मेरा पीछे है जंगल, मेरा सामने है ये बड़ा समुंदर। जंगल और समुंदर का जो कम्बिनेशन है, ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट ऑसम। अगर आप दीघा में आ रहे हो, डोंट फॉरगेट टू कम ओवर हियर। इट इज़ एट द एंड ऑफ द सी बीच, सी बीच जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर शुरू हो जाता है ये पूरा नेचर का एक ब्यूटीफुल कम्बिनेशन। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कैसा लग रहा है आपको ये एंटायर एटमॉस्फेयर, कैसा लग रहा है आपका ये वीडियो। अगर दीघा में अगर आ रहे हो, काइंडली डोंट फॉरगेट टू कम इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। It's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. घूमते आ चुका हूँ, ठीक समुंदर के सामने है एक दीघा का पार्क, और ये है वो पार्क का
ये जो इंटर लोगो विश्व बांग्ला लोगो ये फेमस जो ग्लोब है। आप दीघा का समुंदर में आसपास कहीं भी जाओगे आपको मिल जाएगा ऐसे बहुत सारे पार्क। उस पार्क में आप जा सकते हो, वहाँ पर बैठ सकते हो, आप कुछ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। ट्रस्ट मी यू ओंट फील बोर्ड। यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग आते हैं उन लोगों के लिए ये पार्क बना हुआ है। यहाँ पर बैठने की जगह है, ये बहुत ही साफ सुथरा जगह है। तो यहाँ पार्क में आकर यहाँ पर बैठ कर यू कैन वॉच द सी, यू कैन काम द वेव्स। ट्रस्ट मी समय कैसे निकल जाएगा यू ओंट फील इट। From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be. का ब्लॉग अभी जाना पड़ेगा। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब द चैनल। चलिए बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द ग्रेट आउटडोर।